लोकायुक्त की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते लोकायुक्त की टीम द्वारा छिंदवाड़ा के उद्यान विभाग कार्यालय में दबिश देकर एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के एवज में ये महिला रिश्वत ले रही थी। अधिकारी महिला एक ट्रैक्टर एजेंसी के संचालक को सब्सिडी दिलवाने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार की गई है। दरअसल पवन वर्मा एक ट्रैक्टर एजेंसी के संचालक है और उन्होंने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी कि ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी परिस्ता धुर्वे उनसे सब्सिडी के 1,50,000 रुपए 2 किश्तों में दिलवाने के मामले में उनसे 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रही है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा मामला संज्ञान में लिया गया और ये योजना बनाई गई कि पवन 30,000 रुपए की रिश्वत लेकर महिला अधिकारी के साथ जाएंगे और जैसे ही महिला अधिकारी द्वारा रिश्वत ली जाती है, लोकायुक्त पुलिस द्वारा तुरंत छापामार कार्रवाई कर महिला अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और योजना के अनुसार पवन वर्मा 30,000 रुपए की रिश्वत लेकर परिस्ता धुर्वे के कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिस्ता धुर्वे को 30,000 रुपए की रिश्वत दी और लोकायुक्त पुलिस ने महिला अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक और दूसरे मामले में भी लोकायुक्त पुलिस ने महेंद्र सोनी की शिकायत पर विजय कुमार रावत को 3,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है। इस कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त की टीम ने DSP दिलीप झरबड़े, निरीक्षक मंजू सैनिक, जीत सिंह आदि भी शामिल थे, जिनकी टीम द्वारा विजय कुमार रावत को 3,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.